वी द पीपल, हम भारत के लोग, इलेक्ट करना सीखें, चुनाव करना सीखें, चुनना सीखें। दरअसल पूरे लोकतंत्र में, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है चुनाव। मगर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपको चुनना आता है या नहीं आता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, और ख़ास तौर से जो नेता होगा वो तो कभी नहीं कहेगा कि आपको इस बात की जानकारी हो कि चुनना भी एक कला है, यानी इलेक्ट करना भी, चुनाव जो चुनाव करते हैं उसमें किसको चुनना है, ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा किताब या बहुत बड़ा ग्रंथ या बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि अगर आपको चुनना आ गया तो फिर छुट भैये और जो बेकार के और जो घटिया लीडर हैं, नेता हैं, उनकी छुट्टी हो जाएगी और वो कभी नहीं चाहेंगे। जब आप चुनाव करें तो चुनाव में इमोशनल ना हो, यानी कि आपको भाव नहीं आना चाहिए, आप भावनात्मक दृष्टि से नहीं आने चाहिए। चुनाव करते समय आपको सिद्धांतिक होना चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस चुनाव से मेरे ऊपर या मेरे बच्चों के या परिवार के ऊपर क्या परिणाम आने वाले हैं। कोई व्यक्ति आपके पैरों में पड़ सकता है, कोई व्यक्ति आपको रिश्तेदारी बता सकता है, कोई व्यक्ति आपको दबाव बना सकता है कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो या तुम्हारा काम मुझसे पड़ता है, कोई व्यक्ति जाति को लेकर आ सकता है, कोई व्यक्ति अपने ज़िले को लेकर आ सकता है कि तुम मेरे ज़िले के हो, मेरे गाँव के हो, कोई व्यक्ति स्टेट का वास्ता दे सकता है कि तुम मेरे स्टेट के हो, तुम मेरे राज्य के हो, कोई व्यक्ति भाषा का वास्ता दे सकता है कि तुम्हारी और मेरी भाषा एक सी है, कोई व्यक्ति खान पान का दे सकता है, कोई व्यक्ति धर्म का दे सकता है, रिलीजन का दे सकता है, मजहब का दे सकता है, कोई व्यक्ति सरनेम का दे सकता है, कोई गोत्र का दे सकता है, कोई कबीले का दे सकता है, कोई काम काज का या व्यापार का दे सकता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंस करने के तरीके आपको बताए जाएंगे, और कोई व्यक्ति आपको लालच भी दे सकता है, पैसा दे सकता है या दारू भी पिला सकता है या बहुत सारी बातें। तो चुनाव जब करें आप, तो चुनाव करते समय आपको इमोशनल नहीं होना है, भाव में नहीं आना है, बहना नहीं है, आपको समझदारी दिखानी है, क्योंकि चुनाव से आपके बच्चों का भविष्य तय होता है। इसलिए चुनने का सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस व्यक्ति को या जिस संस्था को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को या जिस प्लेटफॉर्म को आप चुन रहे हैं, वहाँ के नियम क्या हैं, वो उसका सैद्धांतिक नियम क्या है, और अगर व्यक्ति है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका परिवार का बैकग्राउंड क्या है, और उसका वर्क क्या है, यानी अगर संगठन है तो उसके नियम क्या हैं, वो कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति उसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, क्या करता है, पहले उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ये जानकारी उससे लेनी चाहिए। और अगर वो ना दे तो इसका मतलब है कि वो चुनने लायक नहीं है, उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति इसलिए कि भाई मैं प्रधान बनूं या उसकी प्रधान बनने की लालसा है, उसके अंदर लालच है, या एक बार बना दो या पैरों में पड़ जाए या गिड़गिड़ाए या फ़ोन करे या लॉबिंग करे फ़ोन करके, या फ़ोन करके मैं करता रहे, मेरा मेरा करता रहे या रोना रोता रहे, उससे सावधान हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति सिद्धांत पर बात करेगा, जो व्यक्ति ऑब्जेक्ट पर बात करेगा, जो व्यक्ति उद्देश्य से बात करेगा, उसका पूरा करने के लिए रहेगा, वो ना तो पैरों में झुकेगा, ना वो मैं करेगा, ना वो फ़ोन करेगा, ना वो उद्देश्य में आपके पास जाके करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो सही है, उसे खुशामद करनी जो अपनी उसका काम बोलता है। तो आप व्यक्ति के काम को पहचानना सीखिए, क्योंकि आपको चुनाव करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। भारत में तो हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, ये तो बड़े चुनाव हैं। इसके अलावा जैसे आप दुकानदार को चुनते हैं, या आप डॉक्टर को चुनते हैं, या आप किसी काम वाले को चुनते हैं, या अपने यहाँ किसी को नौकरी पर देते हैं उसको चुनते हैं, या कहीं कोई ऐसा चीज़ चुननी होती है खाने की पीने की, या बाज़ार से कुछ चुनते हैं, तो चुनाव करने की जो कला है वो आपको हमेशा आनी चाहिए कि जिस चीज़ का आप चुनाव कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी लाभदायक है, कितनी समाज के लिए लाभदायक है, कितनी पूरे पूरे भारत के लिए लाभदायक है, इन तीनों कसौटियों पर खरी उतरनी चाहिए। अक्सर लोग चुनाव करते हैं तो उम्र देखते हैं, अरे उम्र है, इसकी उम्र हो गई, इसको मौका दे दो, मरने वाला है। अरे भाई, वो जो मरने वाला है, जो उम्र है उसकी, वो चला जाएगा। आप उस व्यक्ति को चुनो जो व्यक्ति पूरी तरह से उस उद्देश्य के लिए ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए आप चुनाव करने जा रहे हैं। इसको सीखें, पूछें कि आपका जो चुनाव है या जो आप यहाँ आए हुए हैं, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति है बहुत बढ़िया कपड़े पहनता है, सूट वूट में रहता है, तो आप इसलिए ना चुने कि वो सूट पहनता है, टाई पहनता है, ये देखें कि उसका काम क्या है, क्या नहीं है।
कोई व्यक्ति कार में आता है, चार चार कार लेके आता है, उसके साथ में हमेशा 20-25 लोग रहते हैं, डंडे से लाठी से लैस रहते हैं, बड़ा रुतबा उसका है, तो इसलिए ना चुने कि उसके साथ में 4-5 कार हैं, ये देखें कि उसने समाज के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे करता है। कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता कि नियम क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि वो आपके पैर छू रहा है और वो आपके पैरों में पड़ा हुआ है और आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, चाहे भले किसी उम्र का है, तो आपने दया करके उसको अपना मत दे दिया, आपने चुन लिया, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है क्योंकि नियम तो वो जानता नहीं है। तो फिर नियम कोई उल्टे सीधे बनाएगा तो आप शिकायत मत करिए उससे। कोई व्यक्ति इसलिए आता है आपके पास में कि आपका भाई है, भतीजा है, रिश्तेदार है, जाति हैं, और उसको ये नहीं पता कि संविधान में क्या चीज़ें होती हैं, क्या यहाँ होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो वो व्यक्ति आपके लिए नुकसानदायक होगा। दरअसल ये समझदारी आपके ऊपर है कि आपको चुनने की कला आती है या नहीं आती है। तो चुनने की कला नहीं आती है, इलेक्ट करने की कला नहीं आती है, किसी का चुनाव करने की कला नहीं आती है, तो उसको सीख लीजिए, जीवन में आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप बाजार से सड़े हुए आम चुन के ले आए, कच्चे आम चुन के ले आए, तो बाद में आप पछताओगे कि हम क्या चुन के ले आए, और अगर अच्छे आम लेके आओगे तो आपका परिवार खुश होगा कि हम इतने रसीले आम खा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और अगर चुनने से की कला में अगर आपको कहीं जानकारी की कला भी है, आम कैसे हैं, क्या रेट हैं, मंडी में क्या रेट है, तो आप कुछ पैसा भी बचा लाएंगे। इसलिए चुनते समय, चुनाव करते समय ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करें, चुनाव की कला को समझें, इमोशनल ना हो, भावात्मक ना हो, सिद्धांतिक हो जाएं, सिद्धांत के हिसाब से, भारत के कल्याण के हिसाब से चुनाव करें। धन्यवाद।